It takes a lot of energy to keep a grudge alive. powerful line. Isn't it is very powerful. The longer there is a lack of forgiveness The more bitterness, anger, and self-pity Poisons the blood and eats the heart. Hand it over to God and allow Him to show you the path to of forgiveness. Such a beautiful line, na? कितना सुंदर है. And even जिस चीज को हम natural समझते हैं, and वो line कितनी beautiful है कि takes a lot of energy to keep a grudge alive. और हमारे अगर हम आज सिर्फ दो मिनट reflect करें, हमारे पास कितनी यहाँ grudges पड़ी हैं जो alive हैं आज. अब हमेशा कहते हैं ना डिप्लीट 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 yes. मैंने कहता है ये डिप्लीट एनर्जी क्या बोलती है सिस्टर सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप वन ग्रज अलाइफ और यहाँ हमारे पास तो पता नहीं कितनी सारी पड़ी हुई है एंड इट सेज एंगर रिजेंटमेंट सेल्फ पिटी क्योंकि यही तो चलेगा ना इट पॉइजन्स योर ब्लड एंड ईट्स योर हार्ट अवे कितना इंपैक्ट और हमने कहा ये तो नेचुरल है और मैं सोचता था हमारे इतने हमारे पास इतने अच्छे अच्छे गुण हैं मैं एक आत्मा हूँ तो फिर मैं इतने खराब काम क्यों करता हूँ मतलब डिप्लीट कर 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 के एक एनर्जी की तो तो बात कर रहे है। तो हैं मेरे पास एनर्जी है ऐसी मतलब फ्रॉम सो मेनी जन्मस ग्रजेज है ना इतने सारे जो पकड़ के रखे हुए जन्म, जन्म के भी पहले के मिला की तो फिर आत्मा का हाल क्या हो गया इसीलिए ना हाल है इसीलिए हाल है और इसीलिए ठीक करना भी बहुत इजी है हाँ That's very important. Instead of always thinking कि अब हमारा क्या हाल हो गया है। Thank God it's repairable. It's not only repairable; it will become absolutely what it originally was. कई चीजें तो repair होके कभी भी original की तरह नहीं बन सकती। कमजोर है। लेकिन आत्मा तो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जो उसकी original quality थी। Reborn. Yes, and this forgiveness is coming because of the power to let go. जब हम किसी बात को लेट गो करेंगे पुरानी बातों को ख़त्म करेंगे ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिया हमने उस आत्मा को फॉरगिव किया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने खुद अपने आप को फॉरगिव किया फ्रॉम ऑल द पेन दैट आई हैड गिवन टू माई सेल्फ जब हम लेट गो करने की बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें लेट गो करनी है आदि एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम पीपल वी हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल अराउंड अस whether it's family whether it's friends whether it's people in society आप देखो सारा दिन में हम कहते हैं, आई एक्सपेक्ट कि उनको इतना तो करना चाहिए था एक प्रोग्राम में बैठे आई एक्सपेक्ट कि सब लोग मोबाइल तो ऑफ करेंगे आई एक्सपेक्ट मींस क्या कि मींस दुनिया जैसा मैं सोचती हूँ वैसे चलेगी दैट्स आई गुड मॉर्निंग नहीं किया तो कर सकाम स्माइली कर देता एक्सपेक्ट मेरी तरफ देख ही लेते न्यूज पेपर पढ़ता जा रहा है अपना हाँ, ये छोटे छोटे ग्रजेज है ना हम तो अभी वो देख रहे थे कि जो जीवन में कोई बड़ी बात हुई हो और हमने यहाँ दर्द पकड़ के रखा यू नो सम इंसिडेंट सम पावरफुल चीज कोई हुई और हमने वो दर्द पकड़ के रखा लेकिन ये छोटे 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 जिसको हमें लगे थे, दीज थे। तो हर बार हमने क्या थॉट क्रिएट किए नेगेटिव 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 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं होंगी हमें अच्छा नहीं लगने वाला है तो क्यों ना हम इस पर पुरुषार्थ करें थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी मेहनत करें कि दूसरी आत्मा मेरे अनुसार चलने वाली नहीं है।, है। तो आई हैव टू लेट गो ऑफ माई लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड उसको भी जब जैसे ही ये थॉट आए उनको ऐसा तो करना चाहिए था ये तो होना चाहिए था इतना तो कर देते इतना नहीं तो इतना ही कर लेते मैंने उनके लिए इतना किया वो इतना भी नहीं कर सकते थे उस समय भी आई लेट गो ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन टुडे अगर एक्सपेक्टेशन को ही लेट गो करना शुरू कर दिया ना तो उसके बाद दर्द आएगा और फिर फोगीव करना पड़ेगा और फिर उस बात को लेट गो करना पड़ेगा उधर तक जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन रखी फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही कुछ अलग ही हो गया फिर हर्ट हुए फिर उसको मैं मैंने अगर जिससे बोला कोई मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला ठीक है यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ मेरी कहीं ना कहीं आ, उसकी एक बुराई दिखी मुझे और डीप में चला गया अभी सोचते सोचते कि एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं मैं अगले पर्सन की एक बैड हैबिट या बुराई कमजोरी दिखा रहा हूँ अकल नहीं है तमीज नहीं है स्कूल में किस घर से आया भी नहीं ही रहे ना सामने हाँ. वाले yes. क्योंकि वो वीकनेस भी हमें वो चीज हमें वीकनेस क्यों लगेगी वो चीज हमें वीकनेस इसलिए लगेगी क्योंकि कि मैं ही कर रहा लेकिन निंदा 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 भी इसलिए इसलिए कर कर रहे हैं। कर रहे हैं हैं क्योंकि जो आप अपेक्षा रखते हैं लोगों से जब okay. वो उस अनुसार नहीं चलते तो वो लोग गलत हैं और फिर हम उन लोगों की निंदा करेंगे जिन लोगों की लाइफ में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि किसी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए उनको नहीं है एक्सपेक्टेशन तो फिर उनको वो वाली बात भी सामने वाले की गलत लगेगी नहीं ना गलत लगी ना अच्छी तो, तो वो पता निंदा भी नहीं, नहीं। चलेगा तो वो रजिस्टर ही नहीं होगा ना यहाँ पे कुछ भी तो इट कम्स डाउन टू हमने क्या क्या अपेक्षाएं रखी हुई है ये तो बहुत छोटी वाली है इसको तो हम काउंट भी नहीं करेंगे लेकिन सारा दिन में आप देखो हम हर्ट किस बात से होते हैं जब दूसरे हमारी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते और हम जीवन भर उस दर्द में रह सकते हैं चाहे हस्बैंड वाइफ से चाहे ओल्ड एज में पेरेंट्स बच्चों से वो बहुत डीप है वहाँ पर पेन क्योंकि आज समय बदल गया परिस्थितियाँ बदल गई आज जो आत्मा है उसकी शक्ति भी कम है सी आज एक पेरेंट के दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग नाउ क्योंकि आज जो पेरेंट्स हैं एल्डरली वो एक्सपेक्टेशन्स रखते हैं अपने बच्चों से एंड उनके हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन रखना तो नेचुरल है ना कि बच्चा है हमने उसके लिए इतना किया इतना हमारा प्यार है उसके साथ इतना हमने केयर किया आज वो मुड़ के दो बात भी प्यार से नहीं कर सकता वो तो कहना नहीं मानता तो चलो वो तो हम वो फिर कहेंगे चलो हम उतना तो एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन दो मिनट प्यार से भी बात नहीं कर सकता इतना भी नहीं कर सकता पूछ भी नहीं सकता आके कि आप ठीक हो के नहीं अब ये expected, आते जाते के कम से कम मैं जा रहा हूँ आने के बाद मैं yes. आ गया दो ही टाइम मिल ले इतना ही कर ले ये जो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस है जिसके लिए हम कहेंगे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करें क्या हम बच्चे से फिर यू नो दैट्स हाउ नाउ दिस इज वेर इट कम्स दैट सेल्फ पिटी ये सेल्फ पिटी है कि हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करें एक पेरेंट के नजरिए से हम देखें तो यस yes, हम चाहेंगे कि वो बच्चा आकर दो मिनट प्यार से बात करे वो करे लेकिन अगर हम कई बार दूसरे तरफ से देखें कि आज का वो बच्चा जो तीस चालीस साल का है जिसके वर्क पे इतने स्ट्रेस है कि वो अपने वर्क को आज हैंडल नहीं कर पा रहा इतना स्ट्रेस और एंजाइटी है आज है बीवी है बच्चे बीवी है फिर बच्चे हैं आज रिश्ते वैसे नहीं हैं हस्बैंड वाइफ के जो वो पेरेंट के अपने हुआ करते थे आज जो छोटे बच्चे को संभालने के स्ट्रेस हैं वो वैसे नहीं हैं जो उस पेरेंट के हुआ करते थे जब वो अपने बच्चे को संभालते थे क्यों ये सब हो रहा है क्योंकि आज की आत्मा 40 साल पहले से कमज़ोर है तो उस कमज़ोर वीक आत्मा के लिए हर चीज मुश्किल है एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप निभाना उसके लिए आज मुश्किल हो रहा है बच्चे को संभालना उसके लिए आज मुश्किल हो रहा है आज लोग कहते हैं पेरेंटिंग सबसे डिफिकल्ट चीज़ है पचास साल पहले लोगों को पेरेंटिंग तो एक मतलब क्या इट्स एज नेचुरल एज ब्रीदिंग नेचुरल चीज़ हुआ करती थी आज वो स्ट्रेसफुल चीज़ हो गई है तो वो बच्चा आज बहुत बहुत तनाव में है बहुत दर्द में है इस बच्चे से आत्मा से एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय हम इस आत्मा से हम प्यार से बात करें तो अगर वो उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दे लेट को कर दे तो वो उस बच्चे को सही सही पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे और सपोर्ट भी तो मांगता है ना बच्चा उस वक्त वो मांगेगा नहीं ना वो हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि वो दर्द में है इसी दिस इज नॉट अड ऑफ लेकिन ऐसे ही हम सबके साथ ये देखें कितनी एक्सपेक्टेशंस जो हमने रखी में था होगा किस पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं नहीं जब मैंने, तो शुरू, में हो सकता ना कई जैसे मैंने शुरू में बात की थी बाय बाय करता पाउ छो के जाता था पहले तो हग करके जाता था ये अब तो पूछता भी नहीं यू नो वी स्टार्ट एक्चुअली हो सकता है वो कितना टेंशन में हो ऑलरेडी लेट हो गया हो किधर से फोन कितने आए होंगे भाई तू निकल लेट लेट गो गो सी अच्छा है, है ना लेट गो लेट को क्या पकड़ के रखा हुआ है और वो भी किसके प्रति पकड़ के रखा हुआ है अपनों के प्रति क्या वाइब्रेशन उन्हीं को भेज रहे हैं जिनके लिए हर रोज दुआ करते हैं उन्हीं को कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं रोज उन्हीं के लिए प्रार्थना की उन्हीं को आशीर्वाद दिया उन्हीं के लिए दुआ मांगी और उन्हीं को ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं फ्रीडम फ्रीडम अपने को देना है अपने को इन थोट That's से फ्रीडम देना much, है लाइन जो आपने कही फ्रीडम अपने अपने को देना अपने है भाई। को देना देना है है कि ये बंधनों से उलझन जो यहाँ पर हम बांध लेते हैं ना इससे अपने को फ्रीडम देना है तो लेट को जो अपेक्षाएं हमने औरों से रखी है उनको धीरे धीरे एकदम से नहीं हो जाएगा ये धीरे धीरे आएगा माइंड में फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते जाना है एक और चीज जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसको बड़ी गहराई से देखना है हम बहुत ज्यादा सारा दिन लोगों की अपेक्षाओं को मीट करने की कोशिश करते जा रहे हैं हो सकता है मेरी खुद की अपेक्षा है कि मुझे लोग तारीफ करें वो ही, ये ही। तो ये हम मेरी तारीफ हो तो मैं इतना अच्छा करूँ तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है लोग तो बोलते हैं मर्जी से काम कर रही है मर्जी या हमें लगता है हम तो उसको महिमा और अप्रिसिएशन नहीं बोलते हम कहते हैं हमें प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है बिकॉज वी कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स तो हमें लगता है हम प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है और उसके लिए हम कर रहे हैं लेकिन दूसरों की अपेक्षाओं को मीट करते जाना इसका कोई अंत नहीं है और अगर जीवन का लक्ष्य दूसरों की अपेक्षाओं को मीट करना बना देंगे तो देन इट्स नॉट पॉसिबल टू बी पीसफुल ये मन हमेशा क्योंकि ये भी तो एक क्रेविंग ही है ना हमेशा ये हमेशा एक क्रेविंग बनी रहेगी हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे हर एक के लिए अच्छा सोचेंगे लेकिन हर एक जो हमसे एक्सपेक्ट करेगा उसको हम हर बार मीट नहीं कर सकते और उसका बोझ हम अपने ऊपर नहीं लेकर चलेंगे वी विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज दैट विल ब्लॉक आर वाइब्रेशन ऑफ प्योरिटी टूवर्ड्स माई बेस्ट डूइंगट मी डू माई बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई ओरिजिनल आइडेंटिटी आज हम फिजिकल आइडेंटिटी मैं सो एंड सो हूं वो इमेज और उसके साथ जुड़ी हुई इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस कि आप ये हैं तो आपको ऐसे होना चाहिए आपको ऐसे करना चाहिए आपको ऐसे पहनना चाहिए आपको ऐसे काम करना चाहिए दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशंस कम इमेज ऑफ हु आई एम एज अ फिजिकल एंटिटी एक सिंपल एग्जांपल है बहुत छोटा सा मेरे घर में दो ड्राइवर है एक गाड़ी भी चलाता है स्कूटर भी चला लेता है एक ड्राइवर है बड़ा अच्छा ड्राइवर स्कूटर नहीं चला सकता said, बच्चे साइकिल चलाते लड़कियां मैं नहीं, नहीं चलाई जाती मैं गाड़ी चला लू एक्सेप्टेड और कर रहे काम सिंपल तो इतना मतलब वो भी क्लियर हुआ मैं भी क्लियर हुआ हम ऐसे हम जीवन में क्यों नहीं कर पाते आप देखो सारा दिन में ये बहुत सूक्ष्म है लेकिन इसको तो हमें हम अवेयर ही नहीं है क्योंकि ये हम नेगेटिव में नहीं रजिस्टर करते यू नो दिस गिव अ वेरी नेगेटिव अनकंफर्टेबल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक आदमी बोल है ना भी मेरी लिमिटेशंस ये हैं मैं ये कर सकता हूं ये नहीं कर सकता ये ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं बिल्कुल तो ये अगर हम अपने लिए जान लें और हर बार लोगों से एक्सपेक्ट करें और खुश करने की कोशिश करें कि हर कि बार करें। लोगों से एक्सपेक्ट करें वो तो फिर भी इजीली दिखाई देता है हमें कि हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हम जो हर बार लोगों के अनुसार और लोगों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं दिस इज़ हाउ पीपल शुड सी मी दिस इज़ व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी दिस इज़ व्हाट पीपल शुड थिंक अबाउट मी लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें लोग मुझे ऐसा देखें लोग समझें कि मैं ये हूँ ऐसा बनने की कोशिश करते जाना अपनी ओरिजनैलिटी से हमें दूर लेकर जाता है हम इसीलिए आज हम कहते हैं कि बहुत आर्टिफिशियल बहुत सुपरफिशियल इन चीजों में हम खुशी और शक्ति को देख रहे हैं क्योंकि अगर मैं ये ये हूँ तो मैं बड़ा हूँ तो मैं पावरफुल हूँ तो मैं रिस्पेक्टेड हूँ ये है लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करना यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सबको खुश करने की कोशिश करना सबको खुशी देनी है खुश करना नहीं है दो चीजों में बहुत फर्क है सबको खुशी देने के लिए मुझे सिर्फ खुश रहना है मुझे कुछ करना नहीं है उसके लिए आई ओनली हैव टू बी लाइट एंड हैप्पी जैसे आपने पिछली बार कहा कि आप लाइट थे तो ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों को फील हुआ कि कुछ चेंज है सो दे फेल्ट नाइस तो आपने खुश रह कर ऑटोमेटिकली खुशी दी और एक है आप अंदर भारी रहकर लेकिन कुछ कुछ करने की कोशिश करते जाएं दूसरों को खुश करने के लिए दर इज नो एंड यहाँ बोझ बढ़ता जाएगा एक इमेज अपने बारे में क्रिएट कर लेते हैं और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते जाना नो आई हैव टू बी लाइक दिस आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ वॉट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे मैंने ऐसे कर दिया इवन इफ आई एम कंफर्टेबल डूइंग इट हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना इसका कोई अंत नहीं है और ये हमें लाइटनेस से बहुत 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 दूर चले जाता है वी हैव टू ट्रैवल लाइट ट्रैवल लाइट इज द सिंपलेस्ट वे टू बी हैप्पी एंड पीसफुल इन लाइफ तो कितनी सारी चीज़ें लेट गो करनी अब हमने देख ली इतने सारे एपिसोड्स में लेट गो ऑफ पुराने बिलीफ सिस्टम्स कि लोग जिम्मेवार हैं हमारे दर्द का दुख का लेट गो ऑफ पास्ट मेमोरीज पुरानी बातें पुरानी सिचुएशंस जो हुई लेट गो जो दूसरे के बारे में हम ना नजरिया उनके बारे में बना के पुराना रखा हुआ है उसका लेट को लेट को जो दूसरों के बारे में रखी हुई हैं लेट को वो जो दूसरों ने हमारे बारे में रखी है जीवन में जितना मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ ये याद रख के जीवन में जितना चलेंगे और दूसरा भी एक आत्मा, एक आत्मा है, है। तो ट्रैवल लाइट नेचुरल हो जाएगा अगर हर बार ये सोचेंगे मैं ये हूँ मैं ये हूँ ये ऐसे होना चाहिए मुझे ऐसे करना है लोगों को मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना है क्योंकि मैं फला फला हूँ तो फिर लाइट रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसके लिए लेट को के लिए जो क्वालिटीज़ हमने देखी एक तो करिच हिम्मत चाहिए पुरानी बातों को छोड़ने की और एक जो आपने इतना आज ब्यूटिफुल सुनाया फॉरगिवनेस क्षमा करना उसमें भी, भी हिम्मत चाहिए उसमें भी हिम्मत करेज तो व्हाई लाइक वी सो अर्लियर बिंग शक्ति शक्ति तो हमें हमेशा चाहिए सारा दिन में जितना ये बार बार याद रखेंगे मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा ये जीवन जी रही हूँ वो इमेजेस वो पोजीशंस सोसाइटी ने जो एक्सपेक्टेशंस रखी उस पोजीशन से उस लेबल से सैटिस्फाई करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्मा की क्वालिटीज को यूज करना हमने वो चीजों के एक्सपेक्टेशन को मीट करते करते कोशिश करने में आत्मा की क्वालिटीज को छोड़ते गए जितना सारा दिन में ये जो आइडेंटिटीज हमने और क्रिएट कर ली ना अपने बारे में उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते फादर हो तो ऐसा होना चाहिए हस्बैंड हो तो ऐसा होना चाहिए आप एक्टर हैं तो एक्टर हो तो ऐसे होना चाहिए ऐसे चलना चाहिए ये पहनना चाहिए ये करना चाहिए ऐसे खाना चाहिए कितनी चीजें हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कम्फर्टेबल भी नहीं है करने में दे डोंट कम एक एक्टर को ऐसा एक क्रिकेटर को एक पब्लिक जो में फिगर बन गया है और टेनिस के जो चैंपियंस हैं उनको भी क्लासेस देते हैं कि भाई आपको आपको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए कोई न्यूज़पेपर वाला आपसे बात करे तो इस तरह इतना जवाब देना चाहिए ऐसे खाना चाहिए यहाँ जाना चाहिए वहां नहीं चाहिए इतनी लाइफ को थका देते हैं तो फिर... जब तक अंदर लाइट नहीं होंगे ना अंदर हल्कापन नहीं होगा ये हम ट्रेनिंग्स भी कर लें कितने भी जैसे आपने सपोज सेलिब्रिटीज के लिए भी कहा कि अखबार वाले से क्या बोलना चाहिए क्या बात करनी चाहिए लोग मिले तो क्या इतनी सिंपल चीज भी अगर देखें अंदर अगर लाइट नहीं होंगे परिस्थिति आई अंदर स्ट्रेस है प्रेशर है सामने वाले से वो प्रेस मीडिया वाले ने कुछ लाइन कह दी तो आपको याद लगता है ये सारी ट्रेनिंग याद रहेगी उस टाइम अगर आप अंदर लाइट है, है तो आपको ट्रेनिंग की नहीं है कि किसके सामने क्या कहना है यही की आपके है। मुख से गलत निकलेगा ही नहीं ये अभी ट्रेनिंग क्या हो रही है आउटसाइड से हो रही है की अंदर भले आप टेंशन में है भले आपको गुस्सा आ रहा है उसकी बात पर आप जवाब ऐसे देना

पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिल रही कि अंदर कैसे सोचना है उनको ये ट्रेनिंग मिल रही है कि कि बाहर कैसे मुस्कुराना है 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 सेल्समैन को लेकिन वो सप्रेशन जो होता है, कि अंदर गुस्सा भी आ रहा इंसल्ट भी फील हो रही है नफरत भी क्रिएट हो रही है ऊपर से स्माइल करना है ऊपर से प्यार से बात करनी है ये ट्रेनिंग हम मेजोरिटी सब कर रहे हैं रिश्तेदारों के साथ प्यार से बात करनी है अंदर से मन कर रहा है उसको कर रहे हैं थोड़े दिन पहले एक यंग मैन था तो प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन 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 यहाँ से उसको सिंगापुर भेज भेज ऑल इंडिया का हेड बना दिया यंग एज बस प्रेशर प्रेशर टू प्रे ना एंड दिस इज बिकमिंग कॉमन तो ये हमें रियलाइज करना हो कि बाहर अचीव करते गए करते गए लेकिन अंदर लाइट नहीं रहे तो आत्मा और शरीर लेनी पाएगा इस चीज को बहुत ज्यादा तो ये ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है इसलिए आज से जो हमारी फर्स्ट पावर है वो है पावर टू लेट गो और इस पावर के बारे में परमात्मा हमें सारी जो बातें हमने डिस्कस की तो परमात्मा का ही ज्ञान है जो हमें हर रोज मिलता है लेकिन डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य उसके बारे में क्या है वो थोड़ा सा सुनते हैं एक लाइन में बोलूंगा आप शुरू करने से पहले कि अगले एपिसोड में सिस्टर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि बीइंग ओरिजिनल हाँ। मैं आज तक समझता जा आ रहा था कि मैं ओरिजिनल गुस्से वाला पैदा हुआ था ओरिजिनल मैं ऐसा चलता हूँ Original मेरी मुंह पे लोगों की बात कर देने की आदत है तो I am being I am being normal and natural. लेकिन आपने आज जो जो बोला कि original क्या है, वो अगले एपिसोड में जरूर आपसे पूछूंगा अब ये पढ़ते हैं पावर टू पैकअप बीट इसको कहते हिंदी में समेटने की शक्ति कि जो यहाँ है उसको समेट लिया तो परमात्मा कहते हैं जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है सरल स्वभाव स्वभाव जो सरल है इजी नेचर है बातों को पकड़ के नहीं रखते जो सरल स्वभाव वाला होगा वो सभी का सहयोगी भी होगा हरेक के साथ कोऑपरेट करेंगे जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त भी होता है एक वो सबके सहयोगी होंगे और फिर Good सबका सहयोग भी उनको प्राप्त होगा इसलिए सभी बातों को सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है वो सरल रहेगा इजी रहेगा तो सभी बातों को इजीली समेट लेगा जो जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी माया yeah. मतलब अपनी वीकनेसेस अपनी नेगेटिविटीज हम सरल हैं इजी नेचर है लेट गो कर रहे हैं बातों को तो नेगेटिविटी तो हमारा कोई सामना फिर करेगी ही नहीं सभी को प्रिय लगता है सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता नेगेटिव वेस्ट थॉट्स होंगे ही नहीं समय व्यर्थ नहीं जाता टाइम भी वेस्ट नहीं होगा व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरादेशी रहती है व्यर्थ नहीं है यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं है तो मन और बुद्धि कैसे रहेगी विशाल और रहेगी, तो आगे का भी सोचेगी। clarity, vision, दूरादेशी। आगे सोचेगी विज़न इसलिए उनके कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकते जितना सरल होंगे उतना स्वच्छ भी होंगे Beautiful. क्योंकि मन और चित्त को कैसे रखेंगे Clean. क्लीन रखेंगे स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है जितना मन चित स्वच्छ होगा ना तो ऑटोमैटिकली पच्चीस पचास आदमी हो छोटा सा बेबी और सारा सारे लोग को आकर्षित करता है। क्योंकि मन चित पर अभी अक्यूमुलेट करना शुरू नहीं किया ना कुछ भी तो उसका मन चित साफ है स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है स्वच्छता क्वालिटी सोल सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे इजी नेचर खत्म छोड़ दिया लेट को किया डिलीट किया ईजी नेचर होगी सच्चाई और सफाई होगी तो ऑटोमेटिकली सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो मंत्र है लेट को लेट को ड्राइवर लेट आया लेट को गाड़ी उसने खड्डे में डाली और गलती से बम दे लेट को चित्त को साफ रखना है yeah. और ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेट गो करते जाएंगे ना तो फिर बड़ी बात को लेट गो करने का इतना इजी हो जाएगा क्योंकि लेट गो करना हमारा संस्कार बन जाएगा एब्सोल्युटली तो मंत्र लेट गो और जितना ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हल्के होकर फरिश्तों की जीवन जिएंगे एंजल्स हमेशा उड़ते हैं उड़ते हुए क्यों उनको दिखा रहे हैं वो कोई फिजिकली थोड़े उड़ते हैं मन उड़ रहा है क्योंकि वो इतना हल्का है तो जो जितना लेट को करेगा तो ना, उड़ने के बाद चीजें भी छोटी छोटी लगने लगती हैं जितना है दिया, दुनिया वर्ल्ड बात छोटी लगेगी सब कुछ छोटी थैंक यू सो मच सिस्टर ओम शांति थैंक यू